उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अपने अधिकारी और कर्मचारी के साथ मिलकर जनपद बांदा के तमाम संवेदनशील इलाकों का भ्रमण किया और प्रदेश में अग्निपथ योजना को लेकर जो आग भड़क गई है उसके विषय में लोगों को जानकारी देते हुए जनपद बांदा में उपद्रव न करने की अपील की है। वहीं पूरी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अग्निपथ योजना के तहत जनपद के तमाम हिस्सों का सभी अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रमण किया गया है। जिस तरह से प्रदेश के अन्य जनपदों में अग्निपथ योजना के तहत दंगे और उपद्रव हो रहे हैं, ऐसी कोई अप्रिय घटना बांदा जनपद में ना हो इसको लेकर जनपद के सभी संभ्रांत लोगों से वार्ता की जा रही है। और इतना ही नहीं, सैनिक कल्याण बोर्ड के तहत जनपद में जो सैनिकों के संगठन चल रहे हैं उनसे भी इस विषय में वार्ता की गई है और अग्निपथ योजना से होने वाले लाभ को लोगों तक पहुँचाने की अपील की गई है। जनपद बांदा से संवाददाता मोहम्मद इलियास की रिपोर्ट। अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार हम सभी अधिकारी, मैं डीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब, सभी स्तर पर हम लोग भ्रमणशील हैं। हर जगह सेंसिटिव पॉइंट्स पे क्यूआरटीज लगाई गई हैं। सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों पर हमारी ड्यूटियां हैं, बिल्कुल सतर्क हैं लोग। इसके अलावा सभी कोचिंग सेंटर के संचालकों से वार्ता की जा रही है, उनको भी समझाया जा रहा है। उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। उन्होंने भी अपनी तरफ से अपील जारी की है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो सेना की तैयारी कर रहे हैं कि कभी भी हिंसा का रूप ना अपनाएं। इसके अलावा सभी स्तर पर संवाद किया जा रहा है। जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, उनसे हर स्तर पर वार्ता की जा रही है और उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। सभी तरफ से बहुत पॉजिटिव रूप आ रहा है। जनपद में इस तरह की कोई भी संवेदनशीलता नहीं है, यहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य है। तैयारी की गई है को लेकर जिले में हमारे जितने सेक्टर पुलिस अफसर हैं और सेक्टर पुलिस मजिस्ट्रेट हैं, 26 स्थानों पर हमारे सेक्टर पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। मैं और कप्तान साहब भी लगातार वाच कर रहे हैं, प्रवर्ती रहकर एडीए वाले सी ओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट और सारे एसडीएम अपने सी ओ साहबान के साथ अपने अपने हर जगह दुकानें खुली हुई हैं और सब शांति है। और हम लोगों ने भूतपूर्व सैनिकों के साथ भी बैठक कर ली है, साथ ही साथ हमारे जनपद में दो भूतपूर्व फौजियों के संगठन हैं, एक है पूर्व सैनिक संघ और दूसरा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। इन दोनों ने भी अग्निपथ योजना की तारीफ की है और लोगों से अपील की है कि योजना बच्चों के हित में है और सरकार के साथ है। साथ ही साथ पूरे जनपद से करीब 20-25 पूर्व सैनिकों ने माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र भी लिखा है, जिसमें अग्निपथ स्कीम की तारीफ करते हुए इसकी प्रशंसा की और साथ ही साथ बच्चों से अपील की है कि उनके हित में है और इसको ज्वाइन करें।